उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है और प्रियंका गांधी को पार्टी का महासचिव नियुक्त कर दिया गया है। राहुल गांधी ने प्रियंका की नियुक्ति के बाद पहली बार पत्रकारों से बात की है। कांग्रेस पार्टी बैकफुट पे कहीं नहीं खेले, कांग्रेस पार्टी फ्रंट फुट पे खेलेगी। कांग्रेस पार्टी अपनी विचारधारा के लिए लड़ी है और चाहे प्रियंका हो चाहे ज्योतिरादित्य हो, कांग्रेस पार्टी के बहुत पावरफुल नेता हैं, लीडर्स हैं और इन दोनों युवा नेताओं से हम उत्तर प्रदेश की राजनीति को बदलना चाहते हैं। जो मायावती मैंने कल मैंने पहले भी कहा, मायावती जी और अखिलेश जी का मैं पूरा मोबाइल, मायावती जी और अखिलेश जी ने अपना गठबंधन बनाया और हम तीनों का लक्ष्य बीजेपी को हराने का। राहुल जी बीजेपी तो हमारा कोई मायावती जी और अखिलेश जी से कोई दुश्मनी नहीं है, प्यार है, मगर हमें कांग्रेस पार्टी की विचारधारा के लिए लड़ना है। तो अब हम उत्तर प्रदेश में पूरे दम से लड़ेंगे। अगर अगर वो बातचीत करना चाहते हैं आगे कोई प्रॉब्लम नहीं। प्रियंका को और ज्योतिरादित्य को मैंने उत्तर प्रदेश 2 महीने के लिए नहीं भेजा। विल प्रियंका कॉन्टेस्ट द इलेक्शन? राहुल जी प्रियंका जी क्या प्रियंका चुनाव लड़ेंगे? भैया देखिए, वो प्रियंका के ऊपर है। मेरा मेन पॉइंट है कि हम बैकफुट पे कहीं नहीं खेलने वाले। हम ना गुजरात में बैकफुट पे खेलेंगे, ना उत्तर प्रदेश पे बैकफुट पे, कहीं भी हम बैकफुट पे नहीं खेलेंगे।